हेलो स्टूडेंट, आज हमारा एक स्पेशल टॉपिक है जिसका नाम है वॉच, यानी कि हिंदी में घड़ी। और देखिए, घड़ी में तीन सुइयां होती हैं, एक सेकंड वाली और एक मिनट वाली और एक घंटे वाली। लेकिन जो हमारा क्वेश्चन पूछता है वो जनरली घंटे वाली और मिनट वाली सुई के बीच का या तो एंगल पूछता है या तो मिनट का डिफरेंस पूछता है। जैसे अगर डिफरेंस की बात करूँ तो अब देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं, या तो दो टाइप का क्वेश्चन बनेंगे इसमें, या तो एंगल पूछेगा यानी कि एक कोण, दोनों के बीच का कोण पूछेगा, या फिर मिनट का गैप पूछेगा उसमें। अब ये मिनट का गैप देखिए कैसे होता है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ, मैं बोलता हूँ किसी घड़ी में 3:15 हो रहा है, तो ये पूछ सकता है कि जो घंटे वाली सुई है और जो मिनट वाली सुई है उसके बीच का बीच में मतलब कितना गैप है, कितने मिनट का गैप है। तो अब देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो जो हम पहला कैलकुलेट करेंगे वो ये सीखेंगे कि मतलब मिनट कैसे निकालते हैं दोनों के बीच का। अब देखिए, यहाँ एक आपको घड़ी दिख रहा होगा, तो अगर इसमें मिनट का वो देखे तो मान लीजिए हमारे पास एक ये मिनट वाली सुई है। अब ये मिनट वाली सुई अगर एक घंटे की मैं बात करूं, एक घंटे में ये कितना मिनट वाली सुई चलेगा, तो जो एक घंटे में यानी 1 आवर में जो मिनट वाली सुई होगी वो 60 मिनट कवर करेगा। एक घंटे में 60 मिनट कवर करता है। अगर लेकिन अगर इसी पे हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी घंटे वाली सुई है वो कितना कवर किया, तो घंटे वाली सुई जब ये मान लीजिए दोनों पहले 12 पे था, अब ये जब ये मिनट वाली सुई एक राउंड लगाया तो 60 मिनट कवर किया, लेकिन यही घंटे वाली सुई यहाँ से 1 पे जाएगी, ये घंटे वाली सुई यहाँ से 1 पे गई। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि घंटे वाली सुई जो एक घंटे में था वो कितना मिनट कवर किया, यानी इसका कितना पार्ट कवर किया, तो वो हमारा कवर करेगा 5 मिनट। एक घंटे में जो ये घंटे वाली सुई है वो हमारे पास 5 मिनट कवर करेगा। देखिए ये 12 से 1 पे जाएगा और ये पूरा एक चक्कर मार देगा। तो उसके बाद अगर मैं बोलूं कि इन दोनों में जब एक घंटे का समय हुआ तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस पैदा हो गया, यानी कितने का गैप हुआ, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्लियर, जब एक घंटा दोनों सुई चली, मिनट वाली सुई भी एक घंटे चली और घंटे वाली सुई भी एक घंटे चली, तो दोनों में जो गैप हुआ वो हमारा 55 मिनट का गैप हुआ। यानी कि एक घंटा अगर दोनों सुई चले तो जो दोनों सुइयों के बीच का गैप होगा वो 55 मिनट का हमारे पास गैप हो जाएगा। अगर इस गैप को मैं और डिक्रीज करता हूँ, अगर मैं बोलूँ कि 1 मिनट अगर दोनों सुइयाँ चले, 1 मिनट घंटे वाली सुई भी चली और एक मिनट ही मिनट वाली भी सुई चली, तो जो हमारा 1 मिनट में गैप क्रिएट होगा इसमें 60 मिनट होंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 55/16। यानी कि 1 मिनट अगर दोनों सुइयाँ चलती हैं तो उन दोनों के बीच का गैप हो जाएगा 55/16। अगर इसे कट करते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 11/12। यानी कि 1 मिनट दोनों सुइयों को चलने दिया जाए तो उनके बीच का जो गैप होगा हमारे पास 11/12 होगा। तो ये वाला बस याद रखेंगे हम लोग कि अगर 1 मिनट दोनों सुई चल जाती हैं, घंटे वाली सुई भी 1 मिनट चलती है और मिनट वाली भी सुई 1 मिनट ही चलती है, तो उन दोनों के बीच का जो गैप होगा 11/12, ये मिनट का गैप उनमें क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। अब मान लीजिए मैं बोलता हूँ आपसे एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं हम लोग कि अब यहाँ क्वेश्चन देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि अगर किसी घड़ी में दोनों सुइयाँ एक ही साथ थे, जैसे मान लीजिए दोनों सुइयाँ एक ही साथ होने का क्या मतलब, मान लीजिए यही वाला टाइम ले लेता हूँ कि अभी घड़ी में 12 बज रहे हैं तो दोनों सुइयाँ एक साथ हैं। मैं बोला कि अगर 12 ना लिख के मैं ये लिख रहा हूँ 36 मिनट अगर दोनों सुइयाँ चल गए, तो 36 मिनट जब दोनों सुइयाँ चल जाती हैं तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई में कितना गैप क्रिएट होगा। तो दोनों पहले एक साथ थी तो ये 36 मिनट ये चली, 36 मिनट बाद हम लोग देखेंगे इसका पोजीशन क्या रहा, तो ये वाली सुई ये हमारे पास 35, ये मिनट वाली सुई यहाँ आ जाएगी अप्रॉक्स, और ये घंटे वाली सुई भी इधर आ जाएगी कहीं। तो देखिए इनके बीच का मिनट का अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो हम लोग पीछे देखे हैं कि जब दोनों सुइयाँ 1 मिनट तक चलती हैं तो उनके बीच का जो डिफरेंस होता है हमारे पास 11/12 होता है। तो अगर ये दोनों सुइयाँ हमारे पास 36 मिनट चल गई तो जो उनके बीच का जो गैप क्रिएट होगा वो हमारा 1 मिनट में इतना गैप क्रिएट होता है, तो 36 मिनट में जो गैप क्रिएट होगा वो 36 × 11/12, ये इनके बीच का जो हमारे पास है गैप है।
यानी कि कितना उनमें गैप हुआ, तो ये कट जाएगा हमारा 3 times, यानी कि 36 मिनट चलने दिया जाए तो 33 मिनट का जो हमारे पास गैप क्रिएट हो जाएगा इन दोनों के बीच में। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं, अगर ये तो पूछता है कि दोनों सुइयां जब एक साथ थी और 36 मिनट चलने दिया जाए तो कितने मिनट का गैप होगा, तो 33 मिनट का। अब एक टाइप से और पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए अगर वो बोलता है कि घड़ी में हमारे 3:30 बज रहे हैं, घड़ी में हमारे पास 3:30 बज रहा है, तो जो मिनट वाली सुई है और जो घंटे वाली सुई है उन दोनों में कितने मिनट का गैप है। तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास 3:30 बजने में, तो अब देखिए इसको कैसे निकालते हैं। हमें पता है जब एक मिनट चलता है सुई दोनों साथ एक साथ, तो 11/12 मिनट का गैप क्रिएट होता है। अब देखिए अगर इसका सीन हम लोग देखें तो ये सीन कुछ ऐसे होगा। ये मान लीजिए मैं मानता हूं कि पहले घड़ी में हमारे पास 3 बज रहा होगा, तो 3 वाले कंडीशन में कुछ ऐसा फिगर होगा, 3 वाले में कुछ ऐसा फिगर होगा। अगर ये 3:30 बज रहा होगा तो देखिए ये वाला सुई मूव करके यहां आया होगा, जब ये सुई यहां मूव किया होगा तो ये वाला सुई भी इधर मूव कर गया होगा, इधर मूव कर गया होगा। अब देखिए हो क्या रहा है, अगर ये 3 वाला सुई मान लीजिए मूव ही नहीं करता, यानी जो हमारा घंटे वाला सुई है वो नीचे मूव नहीं करता, तो हम डायरेक्ट बोल देते हैं ये वाला जो हमारे पास गैप क्रिएट होता है यहाँ 5 मिनट 5 मिनट और ये 15 मिनट का गैप हो जाता दोनों के बीच। लेकिन ये जब ये मूव कर रहा होगा तो ये घंटे वाला सुई भी नीचे की तरफ मूव कर रहा होगा, तो ये 15 मिनट तो होगा नहीं। लेकिन होगा क्या, देखिए अब मैं बोला था कि अगर मान लीजिए ये वाला सीन रहता, ये वाला सीन पहले 3 बज रहा था, ये वाला सीन अगर हम लोग मान लेते तो देखिए घंटे वाली सुई अगर यहां से देखे तो ये 15 मिनट का है, इनके बीच का अगर यहां देखते ये वाला सीन तो इन दोनों के बीच का जो गैप था वो 15 मिनट का था, ये वाला सीनेरियो हटा देते तो 15 मिनट का गैप था। तो ये वाला अगर इस सीनेरियो से देखते हैं तो ये वाला हमारे पास 30 मिनट कवर किया, ये 30 मिनट, तो 30 मिनट जब ये गया यानी 30 मिनट जब गया तो 30 मिनट में जो जाने में इसका जो गैप क्रिएट करेगा वो 13/11/12, अगर इसे कट करते हैं हम लोग तो हो जाएगा 2, ये 5, यानी कि ये हो जाएगा 55/2 मिनट। तो देखिए ये वाला तो तब था जब ये वाला बस 30 मिनट कवर किया, लेकिन जो हमारे पास पहले इसे इन दोनों के बीच का जो गैप था, देखिए ये वाला सीन बना था तो जो ये वाला पहले सीन लिया, तो अब देखिए जो पहले ही से गैप था वो 15 मिनट का गैप था, और ये यहां से यहां आने पे 55/2 मिनट का गैप किया ये, तो अगर ये वाला हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते तो इनके बीच का जो गैप मिल जाएगा, तो हमारे पास जो टोटल गैप होगा इतने बजने में वो 55/2 माइनस ये पहले से जो गैप था 15 मिनट का, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग के पास अप्रॉक्स ये आएगा 27.5 - 15, तो देखिए ये 12.5 मिनट। तो जब ये इतना बज रहा होगा तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 12.5 मिनट का गैप होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि जब ये चला होगा तो अगर ये वाला सीन रहता तो जब ये आधे पे आ जाएगा इसके, यानी इधर से 5 मिनट और ये 5 मिनट और इधर ये 5 मिनट टोटल, तो आधा तो आ ही गया होगा क्योंकि आधे आने पर फिर ये आधा कवर करता तो ये 2.5 मिनट का, तो अगर ऐड करते हैं ऐसे डायरेक्ट तो भी ये निकाला जा सकता था। लेकिन अगर फॉर्मूले से कैलकुलेट कर, पहले ये वाला सोचना होगा कि पहले हमारे घड़ी मान लीजिए 3 मिनट था, 3 बजा था, और 3 बजने के बाद ये क्या हुआ कि ये वाला सुई अगर 30 मिनट कवर किया तो दोनों सुई 30 मिनट तक चले, तो इनके बीच का जो गैप क्रिएट होगा वो 1 मिनट चलने में 11/12 का हो रहा था, तो 30 मिनट चलने में इतना, और ऑलरेडी पहले से इन दोनों के बीच का गैप जो था हमारे पास 15 मिनट का था, तो वही बस कितना गैप ये आधा घंटे चलने में हुआ और उसके बाद कितना गैप पहले से था उसे हम लोग सब्ट्रैक्ट किए। तो अगर मिनट वाले में आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत आएगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएगा, इस पर और सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे और जितना भी होगा आप सॉल्व करिए। थैंक यू।